वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू द एजुकेशन चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी द करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस फॉर सेप्टंबर सिक्सटीन्थ एंड सेवनटीन नमस्कार दोस्तों स्वागत है एजुकेशन चैनल में आज देखेंगे हम सेप्टंबर सिक्सटीन एंड सेवनटीन के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स एंड एनालिसिसट्स क्या है आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अगेन चाइना से रिलेटेड चाइना और इंडिया से वहाँ पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ये सेड जी चाइना की जो एक्टिविटीज़ थी जो बॉर्डर पे वहाँ पे चाइना ने अप्रिल्स ऑन से काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए थे एंड अलोंग विद देयर एमुनेशन आर्टलरी और एमुनेशन काफ़ी वो भी डिप्लॉय किया था और इस टॉपिक uh, को हम काफ़ी टाइम से कवर करते आ रहे हैं आई होप uh, आपको सारे को पता ही होगा इंडिया और चाइना के बीच में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर एरिया लद्दाख सेक्टर में एंड वी हैव बिन फॉलोइंग इट कंटिन्यूसली वॉट इज़ नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स जो यू एस है यू ने इंडिया का जो रोल है अफ़ग़ान पीस प्रोसेस में वो वेलकम किया है मैंने आपको बताया था कि जो बातचीत है अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में वो शुरू हो गई है कहाँ पे हुई है दोहा कटर में उसकी शर्तें थी क्या शर्तें थी जो फरवरी में जो डील हुई थी अमेरिका और तालिबान की उसके तहत बातचीत शुरू हुई है उसमें इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट किया था और अपने जो कंसर्नस हैं वो रेज़ किया था बात करेंगे हम आगे भी इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेटेड है पॉलिटी से, इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो एक बिल सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लाने जा रही है उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के उनके पावर्स को और इंक्रीज़ किया जाएगा एज़ कंपेयर टू जो वहाँ के दिल्ली यूनियन टेरिटरी के सी हैं आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी दिल्ली विथ लेजिस्लेटिव असेंबली ये कब बनी थी 91 वन ने बनी थी आर्टिकल 239 थर्टी ए के तहत बनी थी वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है किसके बीच में सीएम के बीच में और एलजी के बीच में एलजी कौन कौन से इश्यूज देखते हैं पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड और जो सर्विस मैटर्स है वो देखते हैं 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पड़ी थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको ही हैज़ टू एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम लेकिन वहाँ पे टसल बनी रहती है तो एक एक्ट आने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें एलजी जो है वहाँ के उनकी पावर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा सो लेट्स सी जो भी इसमें क्या अपडेट रहता है मीनवाइल आप ये मुझे बताइए कि और कौन सी यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्टिव असेंबली अभी हाल ही में गठित हुई है यूनियन टेरीटरी विथ लेजिस्टिव असेंबली और कितने ऐसे हैं यूनियन टेरीटरीज़ ओके नाव विल सी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आगे सिक्सटीथ का ये पेपर है आई एम श्योर आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दैट आई एम फ्लैगिंग वो मैं फ्लैग कर देता हूँ अगर आपसे छूट गया होगा तो ये टेरिटोरियल था कल का ये था वीनस जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वीनस उससे रिलेटेड परसों मैंने आपको बताया था कि जो वीनस का एटमोस्फियर है उसमें फॉस्फाइन गैस पी इसको आइडेंटिफाई किया गया है जो राइटर है वो बता रहे हैं कि वीनस सोलर सिस्टम का एक प्लैनट है जिसमें एटमोस्पियर सरफेस टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे पहले ओजोन का भी प्रेजेंस के बारे में बात बताया गया था लेकिन ये इतना हाई टेम्परेचर है कि ये जूम किया जा रहा था कि कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा बट फॉस्फाइन गैस की प्रेजेंस के बाद में ये संभावनाएं बनी हैं कि और फर्दर रिसर्च हो इन टर्म्स ऑफ प्रजेंस ऑफ माइक्रोब्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसमें मैंशन कर देता हूँ ये जो है ये नेचर एस्ट्रोनोमी है इसमें ये पेपर पब्लिश हुआ था उसके बाद इसमें नाम लिया गया है आटा कामा कामा लार्ज मिली मीटर अरे फैसिलिटी कहाँ पर है ये चिली में है वहाँ पे है एंड देन वीनस पे याद रखिए वीनस पे आ, प्लान है मिशन किसके द्वारा नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा नासा इज़ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2021 में एंड इसरो इज़ लुकिंग फॉर अ मिशन इज 2023 मार्स पे हमारे मिशन होते रहते हैं मून पे होते रहते हैं बट अब तक वीनस को इग्नोर किया गया था कंसिडरिंग दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सच अ हाई सरफेस टेम्परेचर बट नाउ अब हैज़ टू बी गिवन आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ फर्स्टफाइंग गैस फर्स्टफाइंग गैस के प्रेजेंस के बाद में रीलुक करना पड़ेगा ये आर्टिकल है ये रिलेटेड है इकनॉमी से इकोनॉमिक डिजास्टर ये मैं आपको बता चुका हूँ इकनॉमी में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी इकनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है एक तो मैं इसमें ज़्यादा वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम इन दिस और मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही रिलायबल और लेटेस्ट डेटा आप यू गेट इट फ्रॉम द पी आई की वेबसाइट से आप देखिए लेकिन इन जनरल मैं बताता हूँ इन जनरल ये है कि जो क्वार्टर uh, है पहला क्वार्टर उसका डिटेल आया था उसमें 23.9 परसेंट इंडिया की जीडीपी डी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इसमें एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ आप बताएंगे ओ के बारे में वट इज़ ओ एंड वट आर इज फंक्शंस किस किस फील्ड में ये काम करते हैं तो उनका एक डेटा है तो दैट इज़ वन टर्म विच इज़ यूजफुल इसके अलावा बाकी चीज़ें हम बात कर चुके हैं किस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है कौन कौन से सेक्टर्स में हुई हैं तो वी विल नॉट टॉक इट अगेन ये एक अच्छा आर्टिकल है इसको भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं ये है जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं उसके बारे में ये न्यूज़ में थी कम न्यूज़ में थी जब शशि थरूर ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उसमें फेसबुक को बुलाएंगे जो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन है दोनों ने यह कहा था कि जो भी मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी के पर्स्पेक्टिव से और इफ़ इज सब्जुडाइज तो उसको नहीं उठाएंगे हम उसको नहीं उठाना है स्टैंडिंग कमेटी में तो ए, एक हफ्ते पहले ये न्यूज़ में थे सो तो ये एक इसमें आर्टिकल आया है इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं वट इज़ से टॉकिंग अबाउट द टर्म्स कोरोना की वजह से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो गठित हुई थी वो अपना काम नहीं कर पाए हैं तो एक ये प्रपोजल था कि इनके टर्म को एक साल से बढ़ा के दो साल कर दिया जाए तो उसी से रिलेटेड अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इसमें जो राइटर हैं ये कौन है ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के तो उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया है कौन से रूल्स हैं लेकिन बेसिक समरी ये हैं ये क्या कह रहे हैं बेसिकली ही सेइंग दैट टोटल ट्वेंटी फोर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होते हैं इसमें मेंबरशिप होती है थर्टी वन पर uh, हर स्टैंडिंग कमेटी की इसमें 10 राज्यसभा से होते हैं 21 लोकसभा से होते हैं तो इस तरीके से 240 मेंबर राज्यसभा के और 504 मेंबर लोकसभा के एडजस्ट किए जा सकते हैं कार्यकाल इन मेंबर्स का एक साल का है तो राइटर ये कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं इसमें क्योंकि राज्यसभा है राज्यसभा में जो चुने जाते हैं वो छः साल के लिए चुने जाते हैं और हर दो साल में एक तिहाई लोग रिटायर ये बाहर होते रहते हैं और लोकसभा जनरली पाँच साल का होता है लेकिन इट्स नॉट फिक्स सो वट इज सेंग कि हम लोग डिफरेंट टेन्योर फिक्स कर सकते हैं राज्यसभा मेम्बर्स और लोकसभा मेबर्स अलग अलग सो वट हीज सेंग इज़ दैट दो साल राज्यसभा के जो मेबर्स हैं उनके टर्म्स दो साल के लिए फिक्स हो जाए और लोकसभा के मेम्बर्स जो हैं उनकी उनके जो टर्म्स हैं uh, जो लोकसभा के जितनी लाइफ रहेगी उसके हिसाब से कर सकते हैं सो दिस इज़ जस्ट अ प्रोपोजल ये एक प्रपोजल है जो आपकी नॉलेज के लिए क्योंकि इस पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था तो राइटर हैज़ रिटर्न इट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर कहीं आपसे पूछा जाए तो यू कैन मैंशन इट नाउ वट इज़ दिस ये एक बिल पास हुआ है लोकसभा में अलावेंस एंड पेंशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल जिसमें थर्टी परसेंट सैलरीज एम पीज़ की वो कट कर दी गई है और साथ ही साथ जो एम पी लेड फंड है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है वो दो हज़ार बाईस तक फ्रीज किया गया था बट जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि इस फंड्स को दिया जाए जिससे कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर सके नाउ ये एक नया बिल है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 जो कि लोकसभा में पास हुआ है इस बिल के तहत तो फर्दर पावर डी और जो कंसर्निंग एजेंसीज हैं उनको मिलेगा चाहे पेनल्टी लगाना हो या फ़ाइन लगाना हो या कंट्रोल करना हो एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को सो so ये बिल उनको फर्दर एम्पावर करेगा इसके बारे में अभी ये बिल है अभी ये सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है और आगे पास होना है सिमिलरली लोकसभा ने एक और बिल पास किया है एसेंशियल कम्योनिटी अमेंडमेंट बिल इसका मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसका ऑर्डिनेंस भी आया था डूरिंग कोरोना एंड नाउ सिंस सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज़ देयर तो ये पार्लियामेंट में टेबल हुआ और लोकसभा से पास हो चुका है फर्दर इसमें मेन पॉइंट क्या था मेन पॉइंट ये था कि जो रेगुलेशन था किस पे प्रोडक्शन स्टोरेज ऑफ मूवमेंट एंड सेल ऑफ़ किस किस चीज़ पे सीरियल्स पल्सेस एडिबल ऑयल वो हटा दिया गया है जो आप एमएसपी की बात होती है या जमाखोरी की बात होती है एसेंशियल कम्यूनिटीज एक्ट में उसमें रेगुलेशन था तो उसको हटाया गया है इससे सो दैट इज़ और पार्ट ऑफ सिक्सटीन ये बात कर ली हमने पॉलिटिक्स की अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में क्या है इकोनॉमिक्स में डेटा एक है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही घटा है और अगस्त में और उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट अभी भी है लेकिन अभी वो कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर सो ऑब्वियसली लगातार हम जो इकोनॉमिक्स है उसको हम फॉलो कर रहे हैं ये एक डेटा है ये बताता है कि 1600 इंडियन कंपनीज में एक बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट एफ आया कहाँ से आया चाइना से आया 16 से 20 के बीच में सो बार बार चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है और कंप्लीटली हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं तो ये आपको ये ध्यान रहे पिछले चार साल का डेटा है वन बिलियन डॉलर इन सिक्सटीन हंड्रेड इंडियन कंपनीज ओके सो so दैट्स uh, ये मैंने ये मैंने आपसे परसों क्वेश्चन पूछा था कि थॉमस एंड उबर कप कौन सा है ये पोस्टपन हो गया बाय द वे ये बैडमिंटन से रिलेटेड है आई एम श्योर आपने उसका आंसर लिखा होगा कमेंट में नहीं लिखा है तो आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा कि व्हाट इज़ थॉमस एंड उबर कप और कौन से किसी इंडियन ने इसको जीता है तो जीता है तो उसका नाम सो दैट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द सिक्सटीन सप्तम्बर एंड नाव वी विल सी द सेवेंटीन सप्तम्बर करंट अफेयर्स लेट्स सी ना सेवनटीन सितंबर आज की हम बात करते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है रशिया ने एक पैक्ट साइन किया है जो उसकी वैक्सीन है मैं बता चुका हूँ कि वैक्सीन ऑलमोस्ट रशिया ने क्लेम किया है कि स्पूटनिक फाइव जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुल है वो फेज़ थ्री में चल रहा है और इंडिया की जो डॉक्टर डा, डा, रेड्डी लेबरेटरी है, है, हैदराबाद बेस उनके साथ में उन्होंने डील साइन किया है किस लिए फेज़ थ्री की टेस्टिंग के लिए एक और हमारी जो है सैरम इंस्टीट्यूट Uh, वो ऑलरेडी uh, उनका कोलाब्रेशन है ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके साथ में ऑलरेडी उनका ट्रायल हॉल्ट हुआ था बट इट इज स्टार्टेड अगेन तो आप याद रखिए कि रशिया की जो है फेज थ्री के लिए डॉक्टर रेड्डी लैब है उसके साथ में किया है और कौन सी वैक्सीन है वैक्सीन है स्पुटनिक फाइव नाउ अगेन ये चाइना रिलेटेड है अगेन चाइना का इशू डेली ही आएगा डेली ही कवर हो रहा है अगेन इसमें है कि जो हमारे डिफेंस पे मैंने अभी दिखाया सिक्सटीन में जो बताया मैंने आपको सेम सेवेंटीनथ में चाइना ने जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है जो ये कहा था कि चाइना ने एल पे वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है और जो एग्रीमेंट है नाइन्टी और नाइन्टी का उसका उल्लंघन किया है तो चाइना ने उसको नेगलेक्ट किया है चाइना ने उसको निगेट किया है कि नहीं इंडिया की तरफ से एग्रीमेंट को फेल किया गया है नॉट फ्रॉम द चाइना सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन ये चाइना और इंडिया के बीच में ये इश्यूज चलेगा हमें जो है ये नज़र रखने की जरूरत है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल एस में पांच बिंदुओं पे हुआ था डिस्कशन हुआ था दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन नाउ ये है मैंने अभी बताया कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो बिल के रूप में लोकसभा से पास हुआ है सो so, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये ये जो ऑर्डिनेंस था और अब जो बिल है इसका जो मेजर अपोजिशन है वो इसलिए है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा ये किसानों को डर है और इस इस डर के चलते वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कहाँ पे पंजाब हरियाणा में इनका क्या कहना है इनका ये कहना है कि चूंकि जो पुरानी व्यवस्था है उसको चेंज कर दिया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आके सामान ख़रीद सकते हैं किसानों से डायरेक्टली सो जो जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो किसानों को एक्सप्लॉयट करेंगे कम दामों में किसान से खरीदेंगे और महंगे दामों में कंज्यूमर्स को बेचेंगे और मुनाफाखोरी या जो प्रॉफिटरिंग है वो बढ़ेगी और मिडिल मैन जिसे बिचौलिए कहते हैं उनकी जो है वो बढ़ेंगे उनका इंटरफेरेंस सो इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड किया करती थी वो स्ट्रक्चर ख़त्म ना हो और गवर्नमेंट मिनिमम रेट प्रोवाइड करे किसी भी प्रोड्यूस के लिए जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो ख़त्म नहीं किया जा रहा है बस मार्केट को बढ़ाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ अपनी मंडी में बेचते थे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली की मंडी में बेचते थे तो अब जो बाहर के भी जो हैं बॉम्बे से कैलकाटा से आपके जो बायर्स हैं वो आपका सामान खरीद सकते हैं ये गवर्नमेंट का लॉजिक है कि हम किसानों तक एक्स्ट्रा पहुँचा पैसा पहुँचाने और उनको प्रॉफिट मिले इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर रहे हैं देखेंगे हम उसमें क्या अपडेट है नाउ दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या है नॉन ब्रू कम्युनिटीज और ब्रू कम्युनिटीज इसके बारे में है ब्रू रेफ्यूजीज़ हैं कौन है ब्रू रेफ्यूजीज 35,000 हज़ार ब्रूज थे जो कि जब एथनिक वायलेंस हुआ था मिजोरम में तो 1997 में तो वो भाग के अलग अलग जगहों पे त्रिपुरा में खासकर वो सेटल हो गए थे उनके री के लिए बातचीत चल रही है और कोशिश की जा रही है कि मिज़ोरम के एरियाज़ में ही वो सेटल हो जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ब्रू और रियांग जो कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये कौन से एरियाज़ को बिलोंग करते हैं तो मिज़ोरम एरिया एंड देन राइट नाउ सेटल इन त्रिपुरा तो क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो कि ये कहाँ की जनजाति या जाति है ये ब्रू और रियांग इस ये ऑलरेडी ये न्यूज़ को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ जब हम बात करते थे नागालैंड की नागालैंड सेटलमेंट की तो उसमें ये ब्रूस भी हैं और उन पे जो एथनिक क्लीनिंग सो कॉल्ड एथनिक वायलेंस जब हुआ था तो वो वहाँ से भागे थे मिजोरम से अनसेटल हुए थे नाउ लेट्स सी हमारा क्या है आज का एडिटोरियल आज के एडिटोरियल में क्या है फर्स्ट है दिस इज़ रिगार्डिंग द कोर्ट जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर है वर्ड राइटर इज़ सेंग राइटर इज सेंग जो मीडिया है मीडिया पे जो बैन लगाने के ऑर्डर्स हैं उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए इसमें इसमें एक इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आंध्र आंध्र प्रदेश के एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल थे उनके खिलाफ़ एफ हुई तो वहाँ के हाई कोर्ट ने मीडिया पे बैन लगा दिया और सोशल मीडिया पे कि कोई भी चीज़ इस केस के बारे में मेंशन नहीं की जाएगी तो राइटर ये कह रहे हैं कि इस तरीके का बैन जो है कितना जस्टिफाई है क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफ़ हुई है इवन इफ मे बी एडवोकेट जनरल बट उसका कवरेज बिल्कुल नहीं करना ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है तो ये सोचने वाली बात है कि कितना सही है दूसरी तरफ ये सुदर्शन चैनल का जो एक आर्टिकल या फिर एक प्रोग्राम जो एयर हो रहा था उस पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ठीक है लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेटरेट को प्रोपोगेट कर रहा है तो इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया तो दो दो चीज़ों को अलग अलग राइटर ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग चीज़ें हैं एक में तो बिल्कुल ही बोलना नहीं है और दूसरा दूसरे को बैन किया गया है क्योंकि वो हेटरेट प्रोपोगेट कर रहा है इसलिए सो तो ये जो मीडिया पर बैन है जो कोर्ट्स के द्वारा लगाया जा रहा है उसमें अप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए ना दूसरा ये क्या आर्टिकल है दूसरा आर्टिकल है न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया इसमें क्या है ये मैं लगातार जो बात कर रहा हूँ वही है मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से यू और इसराइल में डील हुआ फिर अब बहरीन और इसराइल में डील हुआ है जो डिप्लोमेटिक रिलेशनस हैं उनको अच्छा बनाने के लिए आपको मालूम होगा कि जो अरब कंट्रीज हैं 1967 की जो वार हुई थी इज़राइल और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में उसके बाद से रिलेशन ठीक नहीं थे पहले इजिप्ट के साथ रिलेशन ठीक हुआ फिर जॉर्डन के साथ हुआ एंड सबसिक्वेंटली अब यू और बहरीन के साथ भी रिलेशनस ठीक हो गए हैं एंड नाउ नाव राइटर इज़ सेग इज़ दैट ये सब सऊदी अरेबिया चूँकि पावरफुल है वहाँ पर सुन्नी वर्ल्ड में पावरफुल है सो so उनके तर्ज पर हो रहा है लेकिन जो मेन क्वेश्चन था पैलेस्टाइन का वो कहीं ना कहीं इसमें नेगलेक्ट हो चुका है एंड राइटर ये भी कह रहे हैं कि जो सुन्नी वर्ल्ड सुन्नी जो जो कंट्रीज़ हैं अरब बेस्ड अगर जब वो इसराइल के साथ अच्छा कर लेंगे तो उसकी जगह जो नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ई ईरान एंड टर्की और उसके बाकी साथी उन्होंने वो जगह ले ली है और पेलस्तान का जो मेन क्वेश्चन है वो वहीं का वहीं रह गया है पेलस्तान और इसराइल का विवाद है मैं कई बार बता चुका हूँ पेलस्तान चाहता है कि सेपरेट स्टेट हो उनका गाज़ा एरिया हो और जेरूशलम एरिया इन सबको को मिला के लेकिन इसमें इसराइल ने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया है सो दैट इज़ रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट में क्यों हमारा इंटरेस्ट है इंडिया का मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और वहाँ की ऑयल भी काफ़ी इम्पोर्ट हो इम्पोर्ट होकर है इंडिया इस एरिया से गल्फ एरियाज़ में और व्यापार भी है इंडिया का काफ़ी तो बहुत ही इकोनॉमिक इशूज़ से पॉलिटिकल इशूज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इंडिया पाकिस्तान को चेक करने के लिए जो ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है तो कई कई बिंदुओं पर इंडिया का तीन चार बिंदुओं पर जो मैंने बताया स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट पोलिटिकल इंटरेस्ट इकनॉमिक इंटरेस्ट और डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है इंडिया का इसीलिए अच्छे रिलेशन भारत रखना चाहता है और लगा इसलिए नजर हमारी बनी रहनी चाहिए यह क्या है यह एक अच्छा आर्टिकल है शॉर्ट में समझाता हूं मैं इसमें बताया है कि फेडरलिज्म के बारे में अभी जीएसटी का मैं आपको कई बार बता कई बार बोल च, बता चुका हूं कि किस तरीके से कंपनसेशन को लेके इश्यूज हैं और फेडरलिज्म पे क्वेश्चन मार्क उठने लगा है तो ये जो राइटर हैं ये बता रहे हैं कि तीन तरीके की फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तीन तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में एक स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि जो कल्चर के बेस पे था जो स्टार्ट हुआ हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उस समय पे और वो था रिलीजन के आधार पे और रिलीजन के आधार पे था उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग अलग अलग ढंग से उसको उस नेशनलिज्म को देखते थे और हिंदू महासभा वो हिंदू बेस्ड था और मुस्लिम लीग मुस्लिम बेस्ड था फिर दूसरी दूसरे टाइप के नेशनलिज्म की बात ये कर रहे हैं ऐसा नेशनलिज़्म जिस जो कि बेस था जिसका बेसिक था स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रिटिश का पोजीशन डेवलपमेंट और बेसिक जो इश्यूज है सोशल इश्यूज उनको उनको एक साथ लड़ना और जिनका कल्चर एक जैसा है उन सभी के साथ आना वैसा नेशनलिज्म की बात हुई इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस लाइन पे कल्चरल लाइन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होना बताया लेकिन एक कॉमन पॉइंट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई तीसरा नेशनलिज़्म आया तीसरा नेशनलिज़्म आया जो टेरिटरी के आधार पे था और जो रीजनल कल्चर्स के आधार पे था भाषा के आधार पे था इस तरीके के फिर नेशनलिज्म आया फिर ये इसी तरीके से राइटर अलग अलग पॉइंट्स लिख रहे हैं हमारे काम की चीज ये है बेसिकली कि ये कहना ये चाहते हैं इन्होंने एक हिस्ट्री दिया अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन आप पढ़ सकते हैं लेकिन आई एम श्योर पता होगा आपको कि किस तरीके से भारत इंडिपेंडेंट हुआ भारत को आज़ादी मिली भारत की आज़ादी के बाद में नाइनटीन में जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनके लिए सेपरेट आंध्र प्रदेश बना उसके बाद एक कमीशन गठित हुआ जिन्होंने रिकमेंड किया भाषा के आधार पे जो भारत में अलग अलग स्टेट बनाए जाने को फिर अलग अलग स्टेट बने फिर उसके बाद जो बॉम्बे था वो बन के महाराष्ट्र गुजरात बना 1966 में ये पूरी हिस्ट्री है आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आप ज़रूर जो बुक्स हैं जो इसकी स्पेसिफिक बुक्स है उससे पढ़िए समरी में मैंने बता दिया तो बेसिकली इन सब चीज़ों को लेके जाके ये कहते हैं राइटर ये कहते हैं कि ये जो फिनोमिना हुआ भारत में जिस तरीके से राज्य बने अलग अलग वो एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि जो लोकल एरियाज़ थे वहाँ भाषा के आधार पर बने तो वो जो रीजनल पार्टीज थी वो वहाँ पर मजबूत हुई लेकिन रीजन में मजबूत होने के बाद में जब वो सेंटर में सरकार बनाते हैं तो वो सेंटर काफ़ी स्टेबल रहता है क्योंकि लोग अपनी अपनी भाषा अपने अपने एरियाज में पावरफुल रहते हैं तो वो पावरफुल लोग जब आप सेंटर में आके बैठेंगे तो कभी भी ऐसा इशू नहीं होगा कि राज्यों से सेंटर को कोई दिक्कत होगी क्यों क्योंकि राज्यों के जो पावरफुल जो लोग हैं वो ऑलरेडी सेंटर में बैठे हुए हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है प्रॉपर तो वो ये कह रहे हैं राइटर इज़ सेइंग कि इस तरीके का फेडरलिज्म इज़ अ गुड फेडरलिज्म जहाँ पे कि लोकल लेवल पे लोकल लेवल के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है रीजनल लेवल पे के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है सेंटर में और जब वो सेंटर में आएंगे तो अपने क्षेत्र का अपने रीजन का अपने लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे तो इससे किसी भी को मार्जिनलाइज नहीं फील होंगे वो फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं अगर वो जब सेंटर में होंगे तो उससे जो तमिलनाडु के लोग हैं वो मार्जिनलाइज नहीं फील करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे लोग वहाँ बैठे होंगे हुए हैं उसी तरीके से वेस्ट बंगाल के लोगों को लगे कि हमारे मिनिस्टर्स वहां बैठे हुए हैं तो वो हमारे हक की बात करेंगे तो इससे कभी भी देश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा अगर अलग थलग मार्जिनलाइज शुरू में फील करते थे वो तो उन्होंने एक मूल मंत्र बताया है कि ज्यादा से ज्यादा रीजनल लोगों को रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पर देना चाहिए उस तरीके का फेडरलिज्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है सो so, ये बता दिया मैंने आपको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को मिला के था ये नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग ये है डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें आप आप मुझे बताइए आप ये डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है ये कहता है कि जो जो वन बिलियन लोग वो डिसेबल है जिनको डिसेबिलिटी है किसी न किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है आँख कान पैर हाथ से डिसेबल है वो और 80 परसेंट जो लोग हैं इस डिसेबिलिटी के वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं और जो आई है लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसने ये बताया है कि 73.6 परसेंट जो लोग हैं वो जो भारत में है वो लेबर फोर्स के बाहर है और उसी तरीके से महिलाएं और बच्चे खासकर जो डिसेबल है उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है जैसे बच्चे हैं जो डिसेबल हैं आंख कान हाथ से वो ई लर्निंग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उनकी उनकी स्पेशल आवश्यकता होती है पढ़ाई करने के लिए जैसे मुख बधिर बच्चे हैं वो ई लर्निंग से नहीं पढ़ पाएंगे उनको ट्यूटर ही करना पड़ेगा उनकी ब्रेल लिपि इत्यादि से उनको पढ़ाना पड़ेगा तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर है उसके तहत भी ऐसे ऐसे जो लोग हैं उन पर ध्यान देने की बात कही गई है और एग्जाम्पल दिया है दीपा मलिक का दीपा मलिक आपको पता है पैरा एथलीट है भारत की उनको एक अवार्ड भी मिला है आप मेंशन करिए क्या अवार्ड के लिए वो चुनी गई थी और मिला है और आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है आप मेंशन करिए कौन सा एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कौन सा एक्ट है कब लागू हुआ और उसके मेजर प्रोविजंस क्या है इसको ज़रूर आप करिए डिसेबिलिटी में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ये क्या है और क्या क्या उसके प्रावधान हैं सो दैट इज़ अबाउट द डिसबिलिटी एक्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग दिस इज रिगार्डिंग द बैंकिंग एक्ट एक बैंकिंग एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का इसमें यह हुआ जो कऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कऑपरेटिव बैंक्स बनाए हैं उनको एम्बिट में लाया गया है आर के बहुत सारे कऑपरेटिव बैंक्स हैं अराउंड फोर थर्टी वो डी लाइसेंस हो गए हैं लिक्विडेट हो गए हैं पिछले कुछ सालों में बीस सालों में इनफैक्ट तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो इन बैंक्स को आर के के द्वारा गवर्न किया जाएगा ना आप मुझे बताइए कि जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं ये कौन से आर्टिकल के तहत कवर्ड है या डीपीएसपी के तहत कवर्ड है ये आप मुझे बताइए और दूसरा ये बताइए कि कौन से अमेंडमेंट के तहत या कौन से आर्टिकल के तहत इनका गठन किया गया है कहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे इनका जिक्र है कोऑपरेटिव बैंक्स का अगर आप इसको एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ आपको बहुत अच्छी आपकी जानकारी होगी ये एम का है मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो ख़त्म नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अपोजिशन का पर्सपेक्टिव या जब गवर्नमेंट का अपोजिशन हो तो गवर्नमेंट का भी पॉइंट जानना जरूरी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज़ बोला जाए तो इट्स उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव भी जानना चाहिए जैसे कि हमारा बैलेंस अप्रोच हो बैलेंस व्यू पॉइंट बने तो ये गवर्नमेंट का पॉइंट है गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये दिस इज़ गुड ये हमारा हम अब जो है कभी भी हमसे पूछा जाए इस जो एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंस या एग्रीकल्चर बिल्स है तो हम अपना बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं नाउ ये रिलेटेड है सिक्योरिटी से इसमें यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसने सत्रह केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं कहाँ पे साउथ इंडिया में ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं किसके खिलाफ आई के खिलाफ में और ये मेंशन है अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आप देख सकते हैं अपने नोट में लिख सकते हैं इसमें आई है आई है खुर्शान प्रोविंस आई एस आई एस के है जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड द शाम खोरशान ये सब हैं और इन सब को किसके अंडर बुक किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रवेंटेशन एक्ट एन आई ए वगैरह पर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ स्पेशल सेशन भी ले चुका हूँ सो एन आई ए जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट केसेस है वो देखते हैं सो so, आपको ये ध्यान रहे कि कौन से एरियाज़ में ज़्यादा ये पनप रहे हैं किस इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पैट है इसको डीप में किसी दिन हम करेंगे बट आपको मोर लेस मालूम रहे कि साउथ इंडिया में ये जो लोग हैं उनके बीच में ये घुस रहे हैं आई एस और वहाँ पे ब्रेन वॉश करके भर्ती कर रहे हैं अपने में इसीलिए हमारी एन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है साउथ इंडिया में नाउ दिस इज़ मैं जो ऑलरेडी बता चुका हूँ भारत का रोल है अफ़गानिस्तान में बातचीत शुरू हो गई अफगानिस्तान तालिबान के बीच में और उसमें भारत एज ऑब्जर्वर इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल यू ने कहा है और फिर मैंने आपको ये दो दिन पहले ही बताया था कि वहाँ जो तालिबान है वो चाहता है कि इस्लामिक लॉ या शरिया रूल हो जाए तालिबा अफ़गानिस्तान में लेकिन जितनी भी बाकी कंट्रीज़ है इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग अमेरिका एंड इंडिया वो चाहते हैं कि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट हो और जो स्पेशल प्रोविजंस हैं महिलाओं के लिए बच्चों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए वो सारी बने रहे सो so, लेट्स ये बातचीत अभी शुरू हुई है क्या उसमें होता है दैट विल हैव टू वेट एंड सी नाउ ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि जापान के नए पीएम एम योशहीदे सु ये uh, ये बन गए हैं और इन्होंने कोरोना और इकोनॉमिक क्राइसिस पे लड़ने की बात कही है आपको बता चुके हैं सिंजू एबे जो जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू पुअर हेल्थ ये एक, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मालदीव से रिलेटेड मालदीव में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो इंडिया अगेंस्ट इंडिया या उसकी रिटोरिक्स जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ करते थे कौन थे उसके प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन थे लेकिन जो अभी करंट गवर्नमेंट है इट्स फेवरिंग इंडिया इब्राहिम मोहम्मद सोली ये इंडिया फेवरिंग है और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अपना बनाया है जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो चाइना के प्रति क्लोज थी लेकिन इस इंडियन गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट में इंडिया ने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं ये मैंने पहले बताया भी था एक बार फिर देख लेंगे पाँच मिलियन डॉलर का पैकेज दिया है और कई सारे स्ट्रीट लाइटिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए और बाकी एक पुल बनाने का भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कैपिटल है माले के उस उसमें बनाने की इंडिया ने प्रपोजल दिया है सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर गोइंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव क्योंकि इंडिया का जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी मालदीव की उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है वो प्रो चाइना ज़्यादा थे लेकिन दिस गवर्नमेंट इंडिया इज़ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप कौन सी अभी है मालदीवियन डिप्लोमेटिक डेमोक्रेटिक पार्टी वो है और इंडिया चाहेगा क्योंकि इंडियन ओशियन का मालदीव जो है इम्पॉर्टेंट uh, एक uh, नेशन है और इंडिया की प्रेजेंस अभी एक हाल ही में इंडिया ने एक हेलीकॉप्टर भी दिया है और उसकी सर्विसिंग और ट्रेनिंग के लिए इंडियन ऑफिसर्स आर ऑलरेडी देयर तो काफ़ी चीज़ें हैं मालदीव से रिलेटेड हमारा नेबरिंग कंट्री है तो अच्छी रिलेशन रहना बहुत ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया अपने जो इंटरनेशनल रिलेशंस के नोट है उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा ये जो आज बताया मैंने मालदीव के बीच में उसको और पढ़ लेना कोई डाउट होगा तो आप लिखिएगा उसको कमेंट्स में सो दैट इज़ ऑल दैट इज़ ऑल फॉर द सेवेंटीन्थ सो इन टूडेज सेशन वी हैव डन वी आर डन विद दिक्सटीन सितम्बर एंड सेवनटीन सितम्बर जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स आप लिखिएगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट में आप उसको बताइएगा आई विल आंसर इट थैंक यू गुड बाय